अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ एक वीडियो को डिलीट कर दो, उसके बाद अप्लाई कर दो, वॉच टाइम कम होगा, उसके बाद भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया ऐसा क्या मजाक कर रहे हो, मेरे साथ बहुत मजाक कर चुके हैं लोग, ऐसे प्लीज आप ना करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं हमेशा फैक्ट और लाइव प्रूफ पर बात करता हूँ। आज की इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा चैनल जो कि 6 महीने से ज्यादा परेशान थे, इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था। ये हमारे पास आए, इनको मैंने डिटेल में जानकारी दी, इन्होंने हमें बताया बहुत सारी चीजें जो हमने इनसे पूछा, और इन्होंने हमें कुछ एक्स्ट्रा भी बोला, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपको बताऊं, जब हमारे पास कोई जुड़ता है, हमसे जब बातें करता है, हमसे जब डिटेल लेता है, तो टाइम लगता है। एक बार में, एक मिनट में अगर सब कुछ चेक करने कर लिया जाता तो फिर वो सारा काम आप भी कर सकते, लेकिन यहाँ पर टाइम लगता है हर काम में। अब बात करते हैं कि कौन सा चैनल मोनेटाइज हुआ है और आपका चैनल कैसे मोनेटाइज होगा। ये चैनल था दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर इन्होंने हमारी जो पेड मेंबरशिप है वो ले रखी थी। पेड सर्विस लेने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा, यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, इस पर मैसेज करने के बाद आपको वीडियो कॉल करना होगा। पेमेंट करने से पहले वीडियो कॉल जरूर कर लेना। आईडी पासवर्ड हम जल्दी किसी से नहीं लेते हैं, तो आईडी पासवर्ड किसी को मत शेयर करना। यहाँ पर आप देखिए, एक चैनल है, इनके चैनल का नाम है दुर्गा क्रिएशन। ये चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था, कितने महीने से परेशान थे ये मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखो, ये हमारे साथ जुड़े थे 4 मई को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने चैनल का लिंक इनसे मांगा था, नेम दुर्गा क्रिएशन करके इन्होंने बताया है और सारी चीजें, तुम्हारा चैनल ओपन नहीं हो रहा, दोबारा से लिंक सेंड को, इन्होंने लिंक सेंड किया, मैंने इनको देखा, एक एक चीजें बताई और सारी चीजें यहाँ पर एक एक डिटेल में इनको बताया। यहाँ पर इनके चैनल को हमने रिव्यू किया। चैनल को रिव्यू करने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है कि चैनल पर बहुत सारे लोग कहते हैं, सर मेरे सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो को प्लीज मत डिलीट कराओ। मैं डिलीट नहीं करवाता हूँ, जल्दी कोशिश करता हूँ डिलीट ना करवानी पड़े, लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं अभी डिलीट करने की जरूरत है, तब मैं डिलीट करवाता हूँ। डिलीट क्यों करवाता हूँ, क्योंकि उस टाइम आपके चैनल को जरूरत है डिलीट करने की वो वीडियो। इनके चैनल पर एक वीडियो मैंने डिलीट करवाई, जो सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो थी, आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। अभी मैं यहाँ पर इनके चैनल को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने मैसेज भेजा है, थैंक यू सो मच सर, चैनल मोनेटाइज हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने चैनल से रियूज कंटेंट हटाने के लिए क्या काम करना होगा और कैसे रियूज कंटेंट हटता है, आपको बताता हूँ। इनका पहले एक बार कोई वीडियो इनकी दिखा दूं आपको। यहाँ पर मैं चैनल ओपन करता हूँ, इनका चैनल ओपन कर लिया है, इनके चैनल पर 48 वीडियो। किसी को पाना क्या या खोना क्या, गुजरते वक्त में बदलता ये जमाना क्या, तमाम चाहतों का जहर। ये जो वीडियो है, इस वीडियो पर दोस्तों चैनल मोनेटाइज ऑन है, देख सकते हो, थैंक्स वाला ऑप्शन भी आ गया है, सब्सक्राइब वाला तो रहता है, ये ज्वाइन मेंबर इन्होंने ऑन नहीं कर रखा, वो भी हो सकता है ऑन हो जाएगा जब ये करना चाहेंगे। ठीक है, ये चीज आपको दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब मैं कोई बातें करता हूं तो लाइव बातें करता हूं। इनके चैनल पर प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअल में, मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर मैं ऊपर चलता हूं, एक एक चीजें यहां पर देखो, इन्होंने कहा, देखो इन्होंने ये मुझे कहा, एक सेकेंड, इन्होंने कहा सर चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, क्या करूं, 4 बार अप्लाई कर चुका हूं, मोनेटाइज नहीं होगा क्या मेरा चैनल अब। मैंने इनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अभी प्रोसेस में है सारा वर्क, हमारा प्रोसेस में चलता है, तो हम किसी को जल्दी रिप्लाई नहीं करते हैं जब तक हम प्रोसेस करते हैं। तो इनसे कहा ओपन कर दो, पब्लिक कर दो, इनको बताया क्या ओपन कर दो, क्या पब्लिक कर दो। एक वीडियो इनसे प्राइवेट करवाई थी, उस टाइम जब प्राइवेट करवाया तब वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। ठीक है, तो इनके चैनल जब मोनेटाइज नहीं हुआ तो ये परेशान होने लगे, इन्होंने बहुत बुरा भला मुझे कहा, और इनसे मैंने ये कहा डिलीट करना पड़ सकता है, ये देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, डिलीट करना पड़ सकता है, सर वॉच टाइम खत्म हो जाएगा तब रिप्लाई कैसे करेंगे। मैंने इनको बताया सारी चीजें, बट करना पड़ेगा डियर, इन्होंने कहा सर वॉच टाइम चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात, देखो यहाँ पर वॉच टाइम फिर से कम हो जाएगा, इन्होंने सारी चीजें मुझे बताई, सर डिलीट तो हम कर रहे हैं, कर देंगे, बट वॉच टाइम कम हो जाएगा, मैंने कहा डिलीट करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखो इन्होंने डिलीट कर दिया, ओके सर लिखा, और उसके बाद इन्होंने लिख दिया है सर चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया। आपके सामने यहाँ पर जो चीजें हैं, मैं बता माय डियर डिलीट करना पड़ेगा, और आपको बताऊं अप्लाई करने के बाद डिलीट कर दो। सुनो, ये जो जानकारी दी थी ना, ये आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे क्यों बता देते हैं, देखकर एक बार में ही बता देते हैं और चैनल डिलीट करने के, वीडियो डिलीट करने के बाद चैनल मोनेटाइज हो जाता है। जब मैं पूरे वीडियो को आपके देखता हूँ, एक एक वीडियो को बारीकी से देखता हूँ, डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, टैग देखता हूँ, टाइटल देखता हूँ, आपके वीडियो को देखता हूँ, वीडियो को सुनता हूँ, आपकी आवाजें सुनता हूँ, उसमें क्या आपने एक्टिविटी डाल रखी है, तब मुझे लगता है कि आपने अच्छा काम किया है, तभी मैं आगे बोलता हूँ यस अब ओके कर दो, अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद वीडियो डिलीट करवाया, वॉच टाइम कम हुआ, लेकिन चैनल मोनेटाइज हो गया।
आपका भी चैनल ऐसे ही मोनेटाइज होगा। आपको क्या काम करना होगा, फर्स्ट काम ये करना है, अगर आप स्टेटस का वीडियो बनाते हैं तो अपनी आवाज में स्टेटस का वीडियो बनाए जैसे कि इन्होंने बना रखा है। दूसरा, जब आप वीडियो मोनेटाइज के लिए अप्लाई करें तो उस वीडियो को डिलीट करें जिसमें आपकी आवाज नहीं है। तीसरा, आप ऐसी वीडियो बिल्कुल ना डालें जिस पर सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग का यूज किया गया हो। चौथा, आप अप्लाई करने से पहले टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी पेड सर्विस से अभी तक 350 से ज्यादा चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं। हमने 350 से ज्यादा चैनल मोनेटाइज कराए हैं और उनके चैनल पर पेड सर्विस भी प्रोवाइड की है, उनको हेल्प भी कर रहे हैं। अभी भी उन्हें ग्रो करने के लिए, ग्रूम करने के लिए हम दिन रात प्रयास करते रहते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम, कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो, प्रॉब्लम फिक्स हो जाए और चैनल मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि रीयूज्ड कंटेंट इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना यूट्यूब पर, कि मेहनत करके इतनी दूर तक आए, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे कंप्लीट किए, बाद में पता चला रीयूज्ड आ गए, तो फिर ये दिक्कत होती है। अब आपको यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पर देखो ये जो चैनल है, यहां पर आपको दिखा रहा हूं, देखो इन्होंने लिखा है, यस सर थैंक यू सो मच, इनसे मैंने देखो ये देखो, कांग्रेचुलेशन माय डियर, गॉड ब्लेस यू, मेरी तरफ से आपका चैनल खूब ज्यादा तरक्की करे, खूब ज्यादा ग्रो करो और महीने के 10,000-20,000 से स्टार्ट होकर लाखों 2 लाख रुपए तक अर्न करो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि किसी ने कहा था। बस आपकी आवाज में जो दर्द है ना, दर्द भरी आवाज से बोलते हैं आप, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही आप वीडियो बनाते रहें और कोशिश करें कि कुछ हटके आप वीडियो बनाएंगे तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। ये मैंने इनको सजेशन दिया। अब आपको और एक चीज सुनाता हूँ। यहाँ पर मैंने इनसे बोला, डियर आपने बहुत बुरा भला कहा था। इन्होंने लिखा, देखो क्या लिखा है, इन्होंने लिखा, सॉरी सर मुझे बुरा तब लगा जब आपने रिप्लाई नहीं दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर एंड दिल से शुक्रिया, आप शायद ना होते तो ये पॉसिबल नहीं होता, सर भगवान आपको खुश रखे, गॉड ब्लेस यू। मैंने इनको बताया लेकिन वो जरूरी था डिलीट करना। यहाँ पर देखो एक एक डिटेल आपके सामने ओपन रखता हूँ, थैंक यू सर इन्होंने लिखा, और देखो यहाँ पर बड़ा खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। सर व्यू बहुत कम आ रहे हैं, मैं लापरवाही भी कर रही थी क्योंकि 6 मंथ से परेशान थी, 6 महीने से जिसका चैनल मोनेटाइज ना हो और मेहनत करने को कोई बोल दे कैसे मेहनत हो सकता है, नहीं होगा। 6 बार अप्लाई किया इन्होंने, मोनेटाइज नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया था, एक बड़ी गलती की थी जो आप लोग मत करना। इन्होंने ये किया था कि एक शायरी थी यूट्यूब पर जो कि बहुत लोगों ने अपलोड कर रखी थी, वही इन्होंने अपने आवाज में इन्होंने डाल दी और चैनल इनका मोनेटाइज नहीं हुआ। अपनी आवाज में अगर किसी का कॉपी भी करके डालते हो तो कुछ मॉडिफाई करके डालना होगा, कुछ अलग तरीके से डालना होगा, तब चैनल मोनेटाइज होगा, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर इनको बता दिया कंसिस्टेंसी जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है जो मैंने इनको बताया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अब सर मेहनत करूंगी एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, मैंने भी इनको लिख दिया है। आपको दोस्तों बताऊं, ये चैनल कैसे मोनेटाइज होते हैं आपको नहीं पता होगा, हम यहाँ से प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस का एक पार्ट आप अगर हमारा बनना चाहते हैं तो आप हमारी पेड मेंबरशिप लीजिए। पेड मेंबरशिप लेने के लिए यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे आपको वहाँ पर रिप्लाई मेरी तरफ से मिल जाएगा। दोस्त आपसे फिर कह रहा हूँ कि प्लीज आप जब वीडियो कॉल कर लें उसके बाद ही पैसे, पेमेंट, आईडी, पासवर्ड कुछ भी शेयर करें, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, समझ में आया होगा रीयूज्ड कंटेंट को हटाना कैसे होता है, रीयूज्ड कंटेंट आ जाए तो काम कैसे करना होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो कि हमें समझ में ही नहीं आता कि भैया ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है, क्या कर डालूं, कैसे मोनेटाइज होगा, लेकिन आपका भाई इधर बैठा है आपके चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए तत्पर सेवा में। मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।